बिलासपुर के स्वार घाट उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत ताली जगातखाना के गांव भटेड़ में एक गरीब मां बेटी पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनके रिहायशी मकान के चार कमरे शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण जलकर राख हो गए। नैना देवी से आग बुझाने के लिए अग्निशमन वाहन को भी बुलाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार देर शाम भटेड़ निवासी कांता देवी के रिहायशी मकान के चार कमरे आग की चपेट में आ गए और जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि आग से चारों कमरों में रखा टीवी, बेड, फ्रिज, पंखे, कंबल, रजाई और रसोई में रखा सारा सामान, सब कुछ आग की भेंट चढ़ गया। इस अग्निकांड के बाद अब महिला कांता देवी को खुले आसमान के तले रहने को मजबूर होना पड़ेगा। अग्निकांड की सूचना मिलते ही पुलिस थाना स्वारघाट के थाना प्रभारी राजेंद्र शर्मा ने अपने दलबल सहित घटनास्थल पर जगातखाना के स्थानीय लोगों की मदद से जाकर राहत और बचाव कार्य किया। गौरतलब है कि नैना देवी से आग बुझाने के लिए अग्निशमन वाहन को बुलाया गया था, लेकिन जब तक वाहन पहुंचता तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। काबिले गौर है कि अग्निकांड की पीड़िता महिला कांता देवी के पति की कुछ ही साल पहले मृत्यु हो गई थी और गत साल महिला के युवा बेटे दीपक का कत्ल हो गया था। अब कांता देवी और उसकी 18 साल की बेटी के सर से छत भी छिन गई है और वो दोनों बेसहारा हो गई हैं। बेड वगैरह सारा सामान अंदर, पहनने के कपड़े थे, पंखा वगैरह सारे, हर एक चीज थी अंदर, सारे जल गए। कागज फाइल वगैरह जो केस के सब वो अंदर सारे जल गए, सब कुछ जो भी सामान सारा जल गया, कुछ भी नहीं बचा। हालांकि प्रशासन की ओर से फौरी राहत के तौर पर अग्निकांड पीड़ित महिला कांता देवी और उसकी बेटी को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट।